तो हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने YouTube के प्लेलिस्ट को कैसे बना सकते हैं और इसका क्या फ़ायदा है। तो अगर आपको ये जानना है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने YouTube पे चले जाना है। YouTube एप्लीकेशन पे जाने के बाद आपको अपना चैनल को ओपन कर लेना है YouTube में। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा चैनल ओपन है। तो आपको सिंपली अपने चैनल वाले लोगों पर जाना है और यहाँ से योर चैनल पे चले जाना है। योर चैनल पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कुछ प्लेलिस्ट बना हुआ है। यहाँ से ये देख सकते हैं, तीन प्लेलिस्ट अभी हमने बनाया है। प्लेलिस्ट का फ़ायदा क्या होता है ये आपको पहले बता देते हैं। प्लेलिस्ट का फ़ायदा ये होता है कि आप जिस टॉपिक पर बना रहे हैं उस टॉपिक का, अगर आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, मैं रेडमी नोट 9 के लिए जितना भी वीडियो मैं बनाया हूँ तो उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जिससे कि कोई भी आपका यूजर आपकी वीडियो को देखता है तो वो अगर रेडमी नोट 9 का पूरा वीडियो देखना चाहता है तो आपको आपके सिंपली चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को ओपन करके यहाँ से आपका सारा वीडियो यहाँ से देख सकता है और इससे चैनल पर व्यू भी आता है। तो न्यू प्लेलिस्ट कैसे बनाते हैं ये आप जान लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने YouTube के वीडियो पे चले जाना है। YouTube के वीडियो पे जाने के बाद आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, सब वीडियो आपका यहाँ पे चला आएगा। आने के बाद मैं अब बनाने वाला हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने काइन मास्टर का वीडियो बनाया हुआ है। ये देख सकते हैं काइन मास्टर का वीडियो बनाया है। तो मैं यहाँ से इसका एक काइन मास्टर का प्ले लिस्ट बना लेता हूँ। आपको सिंपली यहाँ 3 डॉट पर जाना है। 3 डॉट पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सेव टू प्ले लिस्ट करके आ रहा है, तो आपको इस पर जाना है। जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जितना प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है तो वही सब यहाँ पे चले आएगा। तो आपको जिसमें इसको ऐड करना है इस वीडियो को, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपको न्यू बनाना है तो आपको सिंपली यहाँ पे न्यू प्लेलिस्ट पे आपको जाना है। जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं न्यू प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ गया है। टाइटल में आपको लिख देना है, जैसे मैं यहाँ से काइन मास्टर लिख देता हूँ। काइन मास्टर यहाँ से लिख के क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं प्लेलिस्ट में यहाँ पे काइन मास्टर में एक वीडियो अपलोड हो गया। तो आप यहाँ पे जैसे ये देख सकते हैं ऊपर में यहाँ पे आ रहा है काइन मास्टर का, और उसमें एक वीडियो मैंने अभी अपलोड किया है, ऐड किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे।